नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्रयागराज में। आज हम एक सनई के फूल का चोखा बनाएंगे। हमारी तरफ इसको सनई कहते हैं, अब आपकी तरफ इसको क्या कहते हैं बताइएगा। बस इसको छाँटना, वैसे हमने जहाँ से ख़रीदा बहुत अच्छा उसने दिया है। ये मुलायम मुलायम डंडियाँ हैं, उसको छोड़ देंगे। जो मोटी डंडियाँ होंगी उसको हम छाँट लेंगे और कली कली ही तोड़ेंगे। बहुत खिला फूल नहीं लेंगे, हल्का खिला फूल ही लेंगे। जो पूरा खिला फूल होगा उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। अब ऐसे ही कलियां हम निकाल देंगे और मोटी कलियों को, डंडियों को, उसको जो है फेंक देंगे। ये देखिए, ये वैसे ही मेरा बहुत ये छटा हुआ वो है सनई, इसको हम जो है रख लेंगे। अब इसको हम धो के और इसको हम उबालेंगे। ये पानी खौलने लगे तो हम इसको जो है इसमें डाल देंगे और हम इसको पकाएंगे। आप चाहे तो इसको भाप में पकाएं। फिर अब इसका मसाला तैयार करेंगे। हमने एक चम्मच जीरा लिया और दो चम्मच छोटे राई सरसों, इसको पहले थोड़ा ददरा कर लेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे। ये देखिए मोटा मोटा ही है। और इसमें हम अदरक डालेंगे 1 इंच और 1 गांठ जो है लहसुन है और 2 हरी मिर्च, इसको हम मोटा मोटा ही पीस लेंगे। ये हमने मोटा मोटा ही पीस लिया। अभी हमारा देखिए बलक रहा है, तो हमने इसको देखा निकाल के पका है कि नहीं, पहले एक बार चेक करेंगे। अभी ये अच्छे से नहीं पका था, अब ये दोबारा फिर हम इसको पकाएं। इसको पकने में फिर भी लग जाता है 10 मिनट, कभी जल्दी पक जाता है और कभी देर लगता है। ये देखिए, हाँ हो गया मेरा, 10 मिनट में पक गया। अब इसको हम छान लेंगे, छन्नी में छान लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इसको पानी निकाल निकाल के हम हाथ से दबा दबा के इसका पानी निकालेंगे और फिर इसको अलग बर्तन में रखते जाएंगे। पानी इसका निकालना है। आप इस चोखा को जो है बनाइए और इसको 2 से 3 दिन आराम से आप खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, आप इसको फ्रिज में रख के खाएं, और बाहर तो रख के भी आप 3 दिन आराम से खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। अब इसमें हम तेल लेंगे, हमने 3 चम्मच के आसपास तेल लिया है। आप 1-2 चम्मच और ले सकते हैं अगर आपको रखना है इसको 2-3 दिन खाना है। ये तो मेरा जा थोड़ा सा ही है, इसलिए हम 2 दिन तक चलेगा, इसलिए तुम्हें। अब इसमें हमने हींग डाला, हल्दी आधी चम्मच और इसको फूल को डाल दिया। हमने तेल गरम करने के बाद हमने गैस बंद कर दी थी। तेल जो मेरा बहुत गर्म हो गया था तो हमने गैस बंद कर दी थी। फिर हमने हींग और हल्दी डाला था। अब इसको हम इसमें जी मिला दिया। अब वो मसाले जो हमने पीसे थे वो इसमें मिला देंगे और जो है इन सबको सब मिला देंगे। नमक मिला देंगे स्वाद के अनुसार, नमक बहुत ज़्यादा नमक नहीं, क्योंकि फूल है, हरी इस तरह से हरी सब्जी है। थोड़ा थोड़ा सा, 1/2 चम्मच हमने लिया है, थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है। आपको और खट्टा लेना है तो और डाल दीजिएगा। आप अगर कच्चा तेल डाल के बनाए, गरम ना करें, तो वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। लेकिन तेल पका लिया था थोड़ा सा 2 दिन खाने के लिए, इसलिए। और चोखा बनाना है तो कच्चा तेल डालिए, लहसुन मिर्च कूच के डालिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। जी खूब अच्छे से इसको हम गरम तेल में जो है चला के दिखा दिए। ये हमारा बढ़िया टेस्टी चोखा बन के तैयार हुआ। आप चावल दाल के संग, पराठे के संग, रोटी संग खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है।